आज की दुनिया में कोई भी इज्म, सब इज्म दर्दी बनाते हैं, और एक दर्दी दूसरे दर्दी से लड़ता है, झगड़ता है शास्त्रों के नाम पर, जिसको शास्त्र पता है, और जिसको शास्त्र नहीं पता है शास्त्र को शस्त्र बना के एक दूसरे के सामने लड़ते हैं. एंड व्हाई ऑल दीस थिंग्स, डर्थ ऑफ, लोग कुछ समझेगा पता नहीं है. इसमें 50% लोगों को पता नहीं क्रमबद्ध पर्याय क्या है. सी बेसिकली ये टेक्निकल टर्म है क्रमबद्ध. साइंटिफिकली मैंने इसको इवेल्युएट किया है. मैंने हुकमचंद भारिन जी से बहुत इसके बारे में बहस की थी और स्वयं की थी 1-to-1 में, क्योंकि साइंटिफिकली क्रमबद्ध पर्याय मेरे हिसाब से ये होता है कि इफ आई वॉन्ट टू मेक वॉटर, H2NO has to go through a certain processes, steps of that chemical action and reaction between the two gases. वो क्रमबद्ध है. और जब परमात्मा क्रमबद्ध की जो बात कर रहे हैं वो भी वैसा ही है. That means यो जो भी पदार्थ है इस सृष्टि के अंदर वो सारे अपने क्रम से, अपने गुण धर्म और क्रम से ही एक दूसरे के साथ मिलाप करेंगे. सब अपना अपना गुण धर्म को निभाते हैं अपनी जगह पर. वैसे ही जीव और परमाणु की बात है, जैसे H2 और O की बात की तो उसका एक क्रम होता है और अपना गुण होता है. H2 और O को जब मिलन करना होता है तो देयर इज अ स्पेसिफिक स्टेप्स, जैसे दूध से दही बनता है, तो उसका जो भी क्रम है वो क्रम क्रम ही रहेगा. उसीलिए दूध से दही तक बनने का जो प्रोसेस है वो क्रमबद्ध है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता अगर दही का परिणाम चाहिए तो. यह है क्रमबद्ध पर्याय. अब जब आप पुरुषार्थ की बात करते हैं, इफ एनीवन इंटरफियर्स इन बिटवीन, दूध आपने रात को जमाया, सुबह दही होता है, उसके मध्यांतर के अंदर किसी ने कोई इंटरफियरेंस किया, जहां पर पुरुषार्थ की बात आती है, तो कई लोग ये बात ये मैच्योरिटी से समझ नहीं पा रहे हैं. क्रमबद्ध पर्याय यानी कि हर पदार्थ जो होता है वो अपने क्रम से ही दूसरे पदार्थ के साथ अपने क्रम से इंटरेक्ट करेगा, इसे क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं. सो दैट इज गोइंग टू हैपन, बट दैट शुड नॉट बी मिक्स्ड अप कि हमें कुछ करना नहीं है. यानी टेंशन के बारे में, हमें टेंशन आ रहा है तो हमें कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है. हमें करना है, क्या करना है, पुरुषार्थ करना है. क्या करना है, मुझे नहीं होना परेशान, ये पुरुषार्थ करना है. यस, एंड दैट्स हाउ इट हैज टू बी सॉल्व. अच्छा, वन ऑफ द सजेशन, सी व्हाट आई डिड व्हिच हेल्प्ड मी, सी माय नेम इज शैलेश. सो माय आइडेंटिफिकेशन विद शैलेश एज अ सेल्फ इमेज was giving me strength. So what I did, I said, when Shailesh, as a self-image, what is Shailesh? When he was brought up, he had some good experiences, some bad experiences. So infinite Shailesh got finite. You know, he became narrow because of experiences. So I started considering myself only this much, where my real self is very, very vast. So moment I realized that it was my wrong identification with finite Shailesh which was creating the stress. So moment that was known, I got linked to my own true self, and that brought me to a situation where there is no question of any stress or strain, because only expectation and attachment will bring all the misery. So moment I was able to be in that zone, that there is no question of any tension or you know anything of negative. It helped me, so I am sharing with that. Namo Jinanam. Subscribe to YouTube channel Paramsukh TV Namo Jinanam and our quarterly magazine. Like, comment, share the Facebook page Science of Divine Living Paramsukh Namo Jinanam. Twitter @namo_jinanam. Join us on Arihant TV 8:20 a.m. or 11:40 p.m. Become a member just now for a lifetime of happiness, joy and love. To save our Satsangs and activities, call 24/7 helpline or WhatsApp us and write to us at enquiry.namojinanam.